बार मेरी जॉब लग जाए ना, उसके बाद सोचूंगा कि अगला कदम क्या उठाना है। मेरे चाचा का एक छोटा सा शोरूम है गाड़ियों का, उन्हें एक मैनेजर की जरूरत है। ज़हीन के नाम का 50 लाख का चेक तैयार करवा दें हयात एंटरप्राइजेस के कॉम्पिटिटर्स की तरफ से, कि ज़हीन ने 50 लाख की खातिर कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हमारे कॉम्पिटिटर्स को भेज दिए। अगर मैं निकाह पर राजी ना होता, अगर मैं तलाक दे देता, तब कसूर मेरा है? आप तो मासूम है। मेरे घर आप आई थी या मैं लेने आया था आपको? निकाह का आइडिया आपका था या मेरा? अखियां नू तेरी दीद दी बना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई। मैंने फोन कर लिया तो आपने खैरियत मालूम कर ली। इससे पहले तो आपको ख्याल भी नहीं आया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, दरअसल भाभी मेरी तबीयत। शर्मिंदा तो वाकई आपको होना चाहिए हसन साहब। देखिए ना, पहले आपकी बेजोड़ शादी, फिर आपकी बेटी की अनोखी शादी। लगता कि आपको खुद से मुंसलिक रिश्तों की कोई परवाह ही नहीं। हम अपने सर्कल में कैसे फेस करेंगे इन खुराफात को लेकर, कभी सोचा है आपने? ऐसी बात नहीं है भाभी, ये सब सारा की नादानी की वजह से हुआ, लेकिन मैं ये सब को जल्दी निपटा लूंगा। वैसे बुरा ना मानिएगा, बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। अगर बेटी आपके नक्शे कदम पे चल पड़ी तो बेचारा बाप कर भी क्या सकता है। वैसे जो मिसाल आपने कायम की है, आपकी बेटी ने उसी की तो पैरवी की है। भाभी आपका एतराज बचा है, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए कि सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। आप सारा को रोक भी तो सकते थे। अब औलाद से ऐसी भी क्या बेगानगी कि वो कुछ भी करती फिरे, बाप को कोई परवाह ही नहीं। खैर छोड़िए अहसन भाई, आपके मामला तो आप जाने, लेकिन हम रख रखाव वाले लोग हैं, ऐसी बातों को मुनासिब नहीं समझते। इसलिए अब आपको अच्छा लगे या बुरा, मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूंगी कि मेरी बहू सारा से मिले, और आपकी तरफ से भी कोई जज्बाती इसरार नहीं होना चाहिए। खुदाफ़िज़। लेकिन क्या हुआ अहसन, सब खैरियत है ना? किसका फोन था? बेला की सास का फोन था। बेला की सास? क्या कह रही थी बेला की सास? उन्हें सारा की शादी का पता चल गया, खफा हो रही थी। ओहो ऐसा, मैं ये सोच रही थी कि इससे क्या बेला और सारम के रिश्ते में कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, अच्छे लोग हैं। सारम पे मुझे पूरा एतमाद है, लेकिन लेकिन क्या? चाय मुझे भी दो। लीजिए। सुबह से शाम हो गई है, अभी तक ज़हीन आया नहीं है। आ जाएगा, आ जाएगा, देर सवेर तो हो ही जाती है, परेशान मत हो। दरअसल आज उसका एक जरूरी इंटरव्यू था, उसी के लिए गया हुआ है। हाँ हाँ, इतने बड़े आदमी का दामाद है मेरा बेटा, और देखो नौकरियां ढूंढता फिर रहा है। वो सही है अपनी जगह, उनका कोई कसूर नहीं है, हालात ही ऐसे कि उनका गुस्सा जायज है। अरे ऐसे कैसे जायज है, ऐसे ही जॉब से निकाल दिया उसे, आसानियां तो उनकी बेटी को ही होनी थी ना। ज़हीन को जॉब मिल जाएगी, वो अपनी जिम्मेदारी निभाना बहुत अच्छी तरह जानता है, हालात पे काबू पा लेगा वो। बस ये है कि हाथ में कुछ होना चाहिए, बगैर पैसे के क्या हो सकता है भाई, खाली हाथ में तो दिमाग भी काम नहीं करता। बस अब आप दुआ करें कि ज़हीन को कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, मुझे अकेले से अब अखराजात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कहाँ थे तुम यार, इतनी देर से आए हो, अम्मा तुम्हारी परेशान हो रही हैं। वब्बा बस बस ऐसे ही। ज़हीन कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? भाई वहाँ तो बात नहीं बनी, मगर
एक छोटी सी जॉब मिल गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, सिर्फ जॉब ही नहीं गई, रेपुटेशन भी खराब कर दी इस बहाज और शाजमा ने। मेरे ख्याल से तुम्हें अब बाबा से बात कर लेनी चाहिए, उन्हें बताओ कि हसन साहब ने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया, मेरी बातों पर कर लेंगे क्या? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि दरअसल मेरे खिलाफ उनका प्लान क्या है। मुझे तो हर तरफ से नाकामी मिल रही है और हर नाकामी का सिरा उन दोनों तक पहुंचता है। बगैर सबूत के कैसे बात करूं? लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा सारा। मुझे अल्लाह ने यह नौकरी दी है, कल कोई और अच्छी नौकरी भी जरूर मिल जाएगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं एहसन साहब को उन दोनों की हकीकत जरूर बताऊंगा। लेकिन अब मैं बाबा के लिए बहुत परेशान हूँ, वो बिल्कुल तन्हा रह गए। मैं जल्द से जल्द इन दोनों की साजिशों के बारे में बाबा को बताना चाहती हूँ। आखिर बाबा को भी तो इन दोनों से खतरा है ना, उन्हें किसी भी तरह यकीन दिलाना पड़ेगा। अब मुझे सब्र नहीं हो रहा। जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं है सारा, उल्टा हमें ही नुकसान होगा। बगैर सबूत के एहसन साहब को समझाना बिल्कुल बेकार है। वो शाजमा की आंख से देखते हैं और शाजमा के दिमाग से सोचते हैं। मुझे पूरी तैयारी के साथ जाकर उनसे बात करनी होगी। मेरे ख्याल में मुझे उनसे खुद ही बात कर लेनी चाहिए। मैं उनसे माफी मांग लूंगी, उनके आगे हाथ जोड़ दूंगी। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं यहां और नहीं रह सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वहां जा रहा हूं ना, मैं अब तुम्हारे घरेलू मसलों से तंग आ चुका हूं। सारिम प्लीज, मेरे मसले जाती नहीं है, और आप इन हालात में मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? आपको मेरा साथ देना होगा। सारी सूरत हाल आपके सामने है। मैं तो चाहती थी कि आप और आंटी मिलकर बाबा से बात करते कि सारा को घर ले आए। मॉम और सारा के फेवर में अंकल से बात कर। जानती हूँ, मगर मैं आपको तो फोर्स कर सकती हूँ ना। सारिम प्लीज, मेरी खातिर बाबा से बात करें कि सारा को घर बुला लें। खुद बेशक मत जाएं उसे लेने, उसे कह दें वो खुद आ जाएगी। सारिम लोग बहुत बातें बना रहे हैं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज बेला, तुम मुझे इस आजमाइश में मत डालो। मॉम पहले ही बहुत खफा है इस सारे सिचुएशन से। तुम्हारी बहन गलतियां करती फिर है और उसके सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हम सब पर होते हैं। साबरा, मैंने चाइनीज फूड ऑर्डर किया है, जब भी आ जाए बस ले आना फौरन। जी अभी तक आए नहीं है, जैसे ही आता है मैं फौरन लेके आती हूँ। ठीक है। अम्मी आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि आज रात यहीं पर रह जाएं? रात को मैं आपके लिए अच्छा सा खाना बनवाऊंगी। आहा, आपा फिर तो मजा आ जाएगा। तो चुप कर, अगर एहसन आ गया तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? एहसन की फिक्र ना करें, एहसन कल दोपहर से पहले नहीं आने वाला। अच्छा चलो फिर तो ठीक है, सुकून से बैठ सकते। तू सारा खा जाएगा क्या? मुझे तो खाने दे। तो खा लो ना। अब मैं तो तुम्हारे पूरे घर में घूमूंगा। शर्मा अगर तू हमें रोक ही रही है ना, तो ऐसा करना कि रात को हमें खाना किसी बड़े से होटल में खिला दे। ये आइडिया भी अच्छा है, जैसे फरहाद बोले। अरे आपा ये भी कोई मना करने वाली बात है? कब तक उस छोटे से फ्लैट में रहेंगे? कसम अल्लाह की बोर हो गई हूँ मैं। और ये तो घूमने का शौकीन दोस्तों के साथ निकल जाता है और मैं अकेले टीवी को ही देखती रहती हूँ। ऐसा करना
इस बड़े से घर में हमें सेट कर दे। तुम्हें अपने करीब भी देखती रहूंगी, दिल बहला रहेगा, और वो टैक्सी में तुम्हारे घर आते आते थकन हो जाती है मुझे। अरे यहाँ रहूंगी तो इत्मीनान रहेगा। हाँ क्या कहती फिक्र, तुम लोग खैर तो है? बाबा कहाँ? तुम्हारे बाबा घर नहीं है, हैदराबाद गए हैं किसी फैक्ट्री की विजिट पे, रात भी उधर ही स्टे करेंगे। लेकिन तुम लोग क्यों अचानक कैसे? ये मेरे बाबा का घर है और मैं यहाँ पर किसी वक्त भी किसी दिन भी आ सकती हूँ, और मुझे यहाँ पर आने के लिए किसी से पूछने और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा लेकिन तुम्हारे बाबा तो घर नहीं है, फिर किससे मिलने आई? तुम लोगों को अंदर जाना है तो जाके बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ तुम लोगों के लिए, कुछ खाने को लोगे साथ, चाय के कुछ भी? मेरी बात सुनो। चलो बेला, यहाँ वक्त जाया करने से बेहतर है कि हम कल की मौजूदगी में आएं। लेकिन मेरी मैंने कहा ना, मैं मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे बात तो गुड फॉर यू। चादमा ये मुसीबत कहाँ से टपक पड़ी? सारे मुझे बात तो करने दे। आपने देखा नहीं कैसे उसके घर वाले घुसे हुए हमारे घर में, और वो सारा जिसका घर है वो कहाँ किस हाल में पड़ी हुई है? इसमें उन लोगों का कोई कसूर नहीं है बेला। क्या मतलब? शाजमा को इस घर में रहने का किसने दिया और सारा इस हाल में क्यों है? सारिम प्लीज, आप तो इस वक्त ऐसी बातें मत कीजिए। अच्छा चलो घर चलो, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, जब अंकल आएंगे तो फिर बात होगी। ऐसा करेंगे कि उनके ऑफिस चले चलेंगे, वहां जाकर बात करेंगे। अभी यहाँ से चलो। अब चलो। और क्या हाल चाल है तुम्हारी देवरानी के? सुना है बड़ी खिदमतें हो रही थी। अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी उसकी खिदमतें करने की, बड़ी भी उसके आगे पीछे घूमती रहती है। अरे भाई उसके तो मिजाज ही नहीं मिलते, किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती। और तो और ज़हीन से भी सीधे मुंह बात नहीं करती भाई। क्या मतलब? वो क्यों सीधे मुंह बात नहीं करती? मोहब्बत की शादी में तो ऐसा नहीं होता। मोहब्बत की शादी? अरे मुझे तो कोई और मामला लगता है सज्जो, मैंने खुद अपनी आंखों से कई बार ज़हीन की बेइज्जती करते हुए देखा है उसे। अच्छा सच में? होनी तो क्या, मुझे नहीं लगता ये अमीरजादी 2-3 महीने से ज्यादा टिक पाएगी इस घर के अंदर। जब से इस घर के हालात देखे हैं ना उसने, उसका सारा एक झाग की तरह बैठ गया, हर वक्त दोनों लड़ते रहते हैं भाई, इस कदर बदतमीज है कि पूछो मत। और अनवर की माँ ऐसी चापलूसियां कर रही थी उसकी, क्या हद है भाई। एक दफा तो तबीयत खराब हो गई, दोनों माँ बेटे उसके आगे पीछे घूम रहे थे भाई, तौबा पूछो ही मत। और ज़हीन की तो तिमारदानियां देखने वाली थी कसम से। क्यों नहीं करेगा, इतनी मालदार असामी जो है बिगाड़ कर अपना नुकसान करेगा क्या? वैसे बड़े गुने ज़हीन में भी, इतने बड़े बाप की बेटी को ब्याह कर ले ही आया ना अपने घर। लेकिन मैं भी सच्चो छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं, इसने जो मेरे साथ किया है ना वो कोई भूलने वाली बात नहीं है। अरे तुम क्या, मैं तो खुद इस इंतजार में हूँ कि कब उससे बदला लूं। बस एक बार इसको इस घर से जाने तो फिर देखना तुम्हारा रास्ता मैं कैसे बनाती हूँ उस घर में। आप फिक्र ना करें, आपकी और आपकी बहन की ये ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। मैं ज्यादा देर यहाँ रुकने नहीं वाली, वैसे भी यहाँ रुकने का शौक किसको है। मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। जिससे भी बात करी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ ये कहने आई थी कि मुझे भूख लग रही है, कॉफी और फ्रेंच टोस्ट बना देंगी मेरे लिए? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ और ना ही कोई 5-स्टार होटल है जो तुम मुझे यहाँ के ऑर्डर दे रही हो। भूख लग रही है ना तो खुद बना लो, किचन तुम्हारे सामने, या अपनी सास से कह दो वो बना देंगी तुम्हारे लिए। अरे भाई नॉर्मल शादियों में भी लड़कियां खाना पकाना शुरू कर देती हैं एक हफ्ते बाद, तुम पता नहीं कौन सी महारानी लगी हुई हो जब तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया। ये क्या तरीका है बात करने का? मुझे ज़हीन ने कहा था कि अगर कोई काम हो तो मैं आपको कह दूं, इसीलिए कह रही हूं। किस बात पे गुस्सा आ रहा बेटी तुम? कुछ चाहिए बेटा आपको, मैं दे देती हूँ। इनसे कहें कि मैं इनकी बहन नहीं हूँ, कि ये मुझसे स्टोन में बात करेंगी और मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मेहमान हूँ इस घर में, बहुत जल्द चली जाऊंगी यहाँ से। आप लोगों के यहाँ मेहमानों की इज्जत नहीं की जाती? ओ भाई मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतनी गर्म हो गई मुझ पे? सिर्फ यही तो कहा था कि अपना काम खुद कर लो जिस तरह हम सब करते हैं। और साफ बात है भाई, मैंने तो शादी के एक हफ्ते बाद ही अपना खाना पकाना शुरू कर दिया था।
और तुम कम से कम अपना तो बना सकती हो ना, अगर दूसरों का नहीं बना सकती तो। अरे खाना पकाने का क्या है, तुम मुझे बता दो बेटा क्या खाना, मैं बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं अब एक मिनट भी नहीं रुकूंगी इस घर में। क्या जरूरत पड़ी थी तुझे ज्यादा सच्चाइयां बयान करने की? अगर वो खाने को कुछ मांग रही थी तो बना के दे देती ना, हाथ टूट जाते तेरे। वो खुद ही तो कह के गई है मोहतरमा कि चंद दिनों के मेहमान हूं इस घर के अंदर, और वो रहे ना रहे लेकिन मैं इस घर में रहूंगी अम्मा, पर आप ना मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही, बता दूं मैं आपको। चल सर बेटी बात तो सुनो, बेटी सारे कहां जाएंगी आप, कहां जाएंगी? कहीं भी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। सारा सारा बेटा रुक जाओ। अरे अगर वो कुछ मांग रही थी तो उसको दे देती ना बना के, हाँ तेरी जबान नहीं रुकती है। अब मैं ज़हीन को क्या जवाब दूंगी? बहुत मौरी, या अल्लाह ज़हीन बस तू जल्दी घर आ जा। प्लीज आंटी मान जाए ना, मैं आपको अपनी सास नहीं बल्कि माँ समझती हूँ। आप बाबा को कन्विंस करेंगी तो वो आपकी बात कभी नहीं डालेंगे। अगर मुझे अपनी माँ समझती ना तो इतनी बड़ी बात मुझसे ना छुपाती, वो बात जो मुझे दूसरों से। जो होना था वो हो गया, मैंने इसे मना किया था कि आपको ना बताए क्योंकि आपको ये बात अच्छी नहीं लगती। प्लीज आप इससे नाराज मत हो, प्लीज। मैं हैरान हूँ कि ऐसा हो कैसे गया है। सारा को तो मैं बहुत सेंसेबल लड़की समझती थी, अपने ड्राइवर में इंटरेस्टेड हो जाएगी ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, उन दोनों का कोई अफेयर नहीं था। सारी प्लीज आप आंटी को समझाएं ना कि सारे ने किन हालात में उस लड़के के साथ निकाह किया था। मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाबा का गुस्सा जायज है इसलिए आई एम सॉरी, मैं सारा के फेवर की कोई बात नहीं करूंगी। बेला सारा क्या हुआ तुम्हें? बताओ क्या हुआ? बहुत कुछ, बताओ तो क्या हुआ? अब आप उसे रोकते तो सही, उसके पीछे जाते, उसे समझाते। मैं पीछे गया था, पूछो अपनी अम्मी से, मैं जैसे ही गया वो रक्षे में बैठ गई थी। वो इस अमीरजादी को तो काबू में करना बहुत मुश्किल है भाई। तुम चुप रहो शबाना, पहले सब लोग यहाँ परेशान हैं। कहाँ जा सकती है वो? ऐसा क्या हुआ था बताएं तो? क्या भाभी ने क्या कहा था उसे? मैंने ऐसा क्या कह दिया कि वो घर छोड़ के चली जाए? पूछो अपनी अम्मी से, बैठी है यहाँ पे। भाई इंसान में थोड़ी तो बर्दाश्त होनी चाहिए ना, बस इतना सा मैंने कहा था कि अपना खाना खुद बना लो तो बस, इस पे कोई घर छोड़ के भागता है क्या? मगर नहीं, मगर जिस लड़की के पैरों में चक्कर हो ना वो एक जगह टिक के बैठ नहीं सकती। वो यहाँ खुश नहीं है, बेहतर यही है कि उसको आजाद कर दो, वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती। ये कैसी उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहे हैं आप अपने बेटे को? ये कोई गुटे गुटियों की शादी है कि जब दिल नहीं लगा तो चलो छोड़ो खत्म करो शादी को? ज़हीन सारा को कभी भी नहीं छोड़ेगा, और ज़हीन तो सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ, ऐसा थोड़ी होता है कोई। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि उसने जाते जाते कोई बात की थी कि वो कहाँ जा रही है, कुछ तो बताया होगा। मैं जब गया हूँ तो रिक्शे वाले को कह रही थी कि फेज 4 चलो। शुक्र। क्या हुआ, कुछ अंदाजा हुआ कि वो कहाँ गई है? अपनी बहन के घर गई है वो। अच्छा है, 2-4 दिन वहां रहेगी, अच्छा महसूस करेगी। तुम छुप छुपा कर नौकरों से शादी करती फिरो और गलत बात हम कर रहे हैं, तुम्हें अपने सिवा सभी गलत लगते हैं ना? कभी खुद पर गौर किया तुमने किस कदर सबकी जिंदगी अजाब में डाल रखी है? मदर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, पूरी कोशिश के बावजूद नहीं बचा सके। अखियां
सारा प्लीज मत रोना, तुम अब मेरे पास हो और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सबको समझा लूंगी, लड़ूंगी तुम्हारी खातिर सबके साथ, प्लीज मत रो। मैं तुम्हारे घर भी कितनी देर रह सकती हूँ बेला? तुमने आंटी का मूड देखा, वो आज डिनर के लिए भी नहीं आई। मैं समझ गई हूँ उनका मूड मेरी वजह से ही ऑफ है। नहीं सारा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे पहले से ही कह दिया था। तुम प्लीज मेरे लिए कोई अपार्टमेंट देख दो, मैं ज़हीन के उस कचरे के डब्बे जैसे घर में और नहीं रह सकती। आई एम सो डन। बेला सारा को गेस्ट रूम में ले जाओ। सारिम, आप मेरी बात सुने, सारा मेरी बहन है और वो जब तक चाहे इस घर में रह सकती है। आप आंटी को बता दें, उन्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है इसने गलती की, मगर इस वक्त उसे मेरी बहुत जरूरत है और मैं इन हालात में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर क्या ख्याल है, करोगे ये जॉब? मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें बताया भी था कि ये जॉब तुम्हारे कैलिबर की नहीं है, तनख्वाह भी नहीं। यार ऐसी बात नहीं है यार, मुझे ये जॉब कम तनख्वाह में भी मिलती ना तो मैं जरूर करता। नहीं, कुछ ना होने से तो बेहतर है, और इस वक्त ये जॉब मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। यही मेरा कहना है, यहाँ रहते हुए एक अच्छी जॉब की तलाश जारी रखो, इंशाल्लाह जल्द परेशानी खत्म होगी। आमीन। एहसन साहब से बात की क्या? नहीं यार, अभी ना मैं खुद को उस पोजीशन में नहीं पाता। सच पूछो तो मुझे तो जॉब के अलावा कोई बात सूझ ही नहीं रही है, और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे और सारा के रिश्ते का मुस्तकबिल क्या है। क्या तुम उसे चाहने लगे हो? क्या हुआ, जवाब नहीं देना चाहते? ऐसी बात नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब मुझे हाँ में देना चाहिए या ना में। यार मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो मुझसे दूर ना जाए, मेरे पास रहे उसी घर में। अरे तो क्लियर हो गया ना, तुम्हें प्यार हो गया है, चाहने लगे हो तुम उसे। इसी को प्यार कहते हैं मेरे भाई, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं। बीवी है वो तुम्हारी, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो किससे करोगे? सारा ने कोई डिसीजन लिया? सारे मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो बहुत परेशान है। सारा को आए हुए यहाँ 3 दिन हो गए, तुमने ये बात अपने बाबा को बताई? आंटी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप बाबा से बात करें, और मैंने उसी वक्त इनकार भी कर दिया था। भूल गई ये बात क्या? देखो बेला, मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ जब तुम या तुम्हारी फैमिली मुझे या मेरी फैमिली को इफेक्ट करोगे तब मैं खामोश नहीं रहूंगी। सारा कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसने अपने होश आवास में ये काम किया है, तो फिर वो कहाँ से मजलूम हो गई? वो अपने अमल की खुद जिम्मेदार है, बल्कि जवाबदेह है। ऐसे में उसका रोना धोना कुछ समझ में नहीं आता, ये सब ड्रामा है। देखो मेरा मशा मानो तो उसे उसके शौहर के घर वापस भेज दो। वैसे भी शादी के बाद लड़की को उसके शौहर के घर रहना चाहिए, ना कि बहन के घर। सारिम, ये मेरा भी घर है, क्या मुझे इतना भी राइट नहीं कि मैं अपनी बहन को कुछ दिन यहाँ पर रख सकूं? बेला,
तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है बेला। और सारिम भाई, आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि मैंने जहीन से निकाह क्यों किया। बाबा शाजमा की बातों में आकर मेरे साथ क्या करने चले थे, लेकिन फिर भी आपने आंटी को मेरी हिमायत में दो लफ्ज भी नहीं बोले। हिमायत मासूम लोगों की जाती है, और उस वक्त की जाती है जब सादगी में वो अपना नुकसान कर ले। तुम एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की हो, अच्छा बुरा समझती हो, तुम्हें घर का ही ड्राइवर मिला, इतनी बेशर्मी तो ना कहीं देखी ना सुनी भाई। सबके सर शर्म से झुका दिए तुमने। आंटी प्लीज, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि आप मेरे मामले में मत बोले। मैं अपने कैरेक्टर पे एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप सारा, तुम मेरी मॉम से इस तरह बात नहीं कर सकती। और किस कैरेक्टर की बात कर रही हो तुम, जिस पर खुद तुमने सवाली निशान लगा दिया? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सारिम भाई, आंटी मुसलसल गलत बात कर रही हैं। तुम छुप छुपा कर नौकरों से शादी करती फिरो और गलत बात हम कर रहे हैं। तुम्हें अपने सवा सभी गलत लगते हैं ना? कभी खुद पर गौर किया तुमने, किस कदर सबकी जिंदगी अजाब में डाल रखी है? आप मुसलसल सारा को गलत कह रहे हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आप क्या चाहते हैं, कि मैं सारा के साथ इस ज्यादती को खामोशी से सुनती रहूं? अब अगर तुम सारा की हिमायत में मुझसे लड़ी तो मुझसे कोई नरमी की उम्मीद मत रखना। मैं सारी जिंदगी के लिए आप पर बोझ बनने नहीं आई थी सारिम भाई, चंद हफ्तों के लिए आई थी। मैं बेला की मदद से अपने लिए एक अलग अपार्टमेंट ले रही हूँ। अपार्टमेंट में हमारा इत्तेफाकी शौहर भी अरेंज कर सकता था, फिर बेला के पास आने का क्या मतलब था, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उसकी क्या कंडीशन है। जो भी कहा अपनी बहन से कहा, आपसे कुछ नहीं मांगा। इस कदर बदतमीज हो तुम, इसका तो अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। देख रहे हो ना कैसे मुझे जवाब दे रही है, ना लिहाज है ना शर्म। इसे तो मैं एक मिनट इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। आंटी आप बात को बढ़ा रही हैं, सारा ने ऐसी कोई गलत बात नहीं की, वो अब इस मुश्किल वक्त में और कहां जाएगी? तुम अपनी इस बदतमीज बहन को मुझ पे फौकिया दे रही हो। आंटी आपके इस बड़े से घर में मेरे लिए जरा सी जगह नहीं, वो भी सिर्फ चंद दिनों के लिए। अगर किसी की वजह से मेरी इज्जत पे हर्फ आएगा ना, तो चंद दिन तो क्या, मैं चंद घंटे भी इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। और बेला मैंने तुम्हें समझाया था, लगता है तुम पे कोई असर नहीं हुआ। आंटी आप क्या चाहती हैं, कि मैं अपनी बहन को हालात के रहमो करम पर तन्हा छोड़ दूं? उसको कहो इसी वक्त यहाँ से चली जाए। इतनी रात को कहाँ जाएगी? कोई रात नहीं हुई है, इसके शौहर को फोन करो आके लेके जाए। तुम परेशान मत हो बेला, मैं चली जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हें इस वक्त कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन तुम्हारी सास मुझे इस घर में मिनट बर्दाश्त नहीं करेगी। पता है बेला, उसके छोटे से घर में इतनी आसाइशें नहीं, लेकिन वहां सब मेरी इतनी इज्जत करते हैं कि मैंने गलती कर दी वहां से आकर। मुझसे गलती हो गई बेला। सारा, सारिम, सारिम प्लीज उसे रोक ले। सारा मेरी बात सुनो। सारा मेरी बात सुनो, रुक जाओ। सारा मेरी बात सुनो, सारा सारा देखो, अगर सारिम की बच्चे को कोई नुकसान हुआ ना, तो उसके जिम्मेदार तुम होगी, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है।
ये तुमने मेरी बहू को किस हाल में पहुंचा दिया है? क्या बहनें ऐसी होती हैं? क्या हुआ सारिम, सब खैरियत है ना? अंदर है बेला। क्या देखने आए आप? ये सब कुछ सारा की वजह से हुआ है। अगर मेरी बहू या उसके बच्चे को कोई नुकसान हुआ ना तो मैं सारा को नहीं छोड़ूंगी। सारा जी, ना जाने क्या टेंशन दी इसने मेरी बहू को जो उसकी ये हालत हो गई है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बल्कि मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए कि तुम बेला के घर में क्या कर रही थी, बोलो। बाबा मुझे माफ कर दो। बेला के बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। क्या कर रहे हैं आप? हॉस्पिटल है ये। कुछ नहीं होगा बेला को, कुछ नहीं होगा मेरी बहन को। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई तुम बेला के घर गई? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सारा, आखिर तुम हम सबकी जान छोड़ क्यों नहीं देती? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज गुस्सा ना कर। तो तुम देख रही हो ये क्या क्या कर रही है? सिर्फ बाप की इज्जत और बहन की जिंदगी की कोई परवाह नहीं। रिलैक्स करें, इधर आए, बैठे यहाँ पे बैठे, रिलैक्स करें, गुस्सा मत करें प्लीज। मदर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, पूरी कोशिश के बावजूद हम बच्चे को नहीं बचा सके। कहें यहां से चली जाए, यहां से चली जाए, वरना इसके साथ तो नहीं मैं अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर कर बैठूंगा। इससे कहें यहां से चली जाए। ये तुमने क्या कर दिया है? क्यों यहां खड़ी हो? चली जाओ यहां से, क्या हमारी जान लेके जाओगी? जाओ यहां से। सन आपके आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं। हाँ मुझे एक सेकंड दे, मैं आती हूँ। कहा था ना तुम दोनों को भिखारी बना के छोड़ूंगी। तुम तो अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। बेला के फारिग होने का इंतजार कर रही थी बस मैं, वो तो आने की बजाय चला गया बेचारा। और बस बेला की बारी। तुम कितनी मक्कार औरत हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे बस ये धमकियां किसी और को जाके देना, मैं शासमा हूं और ये नाम कभी भूलना मत। तो जिस दिन बाबा को तुम्हारी असलियत पता चलेगी, सोचो उस दिन तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम दिन में ख्वाब देखना कब छोड़ोगी? फिलहाल मेरी नहीं अपनी फिक्र करो। किधर जाओगे सारा बीबी? Thank you.
सारा, आप ठीक हैं सारा? मैं आपको लेने का आपके घर गया था तो पता लगा सब लोग हॉस्पिटल आए हुए हैं। सब खैरियत है ना, हॉस्पिटल क्यों आए हैं सब? क्या हुआ सारा, आप रो क्यों नहीं है? आपसे किसी ने कुछ कहा है? किसने रुलाया आपको, मुझे बताएं अभी। बना जा।